सोलन नगर परिषद ने सोलन के बाजार में पॉलीथीन उन्मूलन के लिए औचक निरीक्षण किया। ये निरीक्षण नगर परिषद कार्यकारी अधिकारी ललित कुमार की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। एसडीओ सोलन इस मौके पर विशेष रूप से उपस्थित रहे। ये अभियान चुलिनी मंदिर के समीप से आरंभ हुआ और मुख्य बाजार से होता हुआ माल रोड तक चला। सोलन नगर परिषद ने सोलन के बाजार में पॉलीथीन अनुमूलन के लिए औचक निरीक्षण किया। ये निरीक्षण नगर परिषद कार्यकारी अधिकारी ललित कुमार की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। एसडीओ सोलन इस मौके पर विशेष रूप से उपस्थित रहे। ये अभियान शूलिनी मंदिर के समीप से आरंभ हुआ, मुख्य बाजार से होता हुआ माल रोड तक चला। चौक बाजार में सूट बेचने वाले का चालान किया गया। इस चालान को लेकर चौक बाजार व्यवसायियों ने नगर परिषद की इस कार्यवाही का कड़ा विरोध किया, जिसके चलते व्यापारियों और नगर परिषद अधिकारियों में तीखी नोकझोंक भी हुई। व्यापारियों ने तर्क दिया कि अभी सरकार द्वारा पैकिंग में आने वाले पॉलीथीन के चालान के लिए कोई आदेश नहीं हुए हैं, इसलिए ये चालान नहीं कर सकते। व्यापारी और पूर्व पार्षद किशन गोबर ने कहा कि एक तरफ सरकार पॉलीथीन का चालान कर रही है, वहीं दूसरी ओर सरकारी डिपो में दालें और अन्य सामान अभी भी पॉलीथीन पैकिंग में आ रहा है, इसलिए पहले वे अपनी कार्य प्रणाली में सुधार लाएं, लोगों के लिए उदाहरण बने, फिर उसके बाद में व्यापारियों का चालान करें। उन्होंने कहा कि अभी सरकार ने व्यापारियों को 3 माह का समय दिया है कि बन टाइम जो पॉलीथीन उपयोग होता है उसका कोई चालान नहीं काटा जाएगा, तो फिर नगर परिषद व्यापारियों को बेवजह क्यों तंग कर रहे हैं। चौक बाजार में कार्यकारी अधिकारी अपने स्टाफ के साथ आए और लोगों की दुकानें इन्होंने चेक करनी शुरू कर दी। मैंने इनसे एक रिक्वेस्ट की है कि एक तो सरकार की तरफ से 3 महीने तक यदि कोई सिंगल यूज जो पॉलीथीन है उसको आदमी इस्तेमाल कर सकता है, 3 महीने की छूट दी। इन्होंने आते ही चलान कर दिए, कपड़े की दुकान में गए, कपड़ा जो है पीछे से ही जो सूटों की पैकिंग है वो प्लास्टिक के अंदर आ रही है। यदि व्यापारी ने 20-30-50 पीस पॉलीथीन के उन सूटों को डालने के लिए रखे हैं, अदरवाइज अगर वो खुला छोड़ेगा तो वो सूट खराब हो जाएंगे। सरकार को मेरी एक रिक्वेस्ट है कि इन बातों की तरफ भी सरकार अपना ध्यान दे और ऐसा ना हो कि जब भी है वो व्यापारी के ऊपर डंडा चलता है। पीछे से अगर पैकिंग बंद होगी तो सब कुछ बंद हो जाएगा। अब दूध की थैलियाँ हैं वो पॉलीथीन में आ रही है, उसके लिए सरकार ने लो कर दिया है। ब्रेड आ रही है और 10 चीज़ें जो है वो पीछे से पैकिंग, इवन सरकार की सरकारी दालें वो पॉलीथीन के लिफाफों में आ रही। सरकार वहाँ से क्यों नहीं अपना कदम उठाना शुरू करती है कि पहले वहाँ से उस पर प्रतिबंध लगाए जिससे पोल्यूशन ना हो। इस मौके पर कार्यकारी अधिकारी ललित कुमार ने कहा कि पॉलीथीन अनुमूलन के लिए बाजार में चालान किए जा रहे हैं, जो भी व्यक्ति पॉलीथीन का उपयोग करता पाया गया तो उसका चालान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि शहरवासियों को जागरूक किया जा रहा है कि अगर उनके पास पॉलीथीन है तो वे उसे बाजार में या कूड़े में ना फेंकें, क्योंकि नगर परिषद 60 रुपए किलो के हिसाब से खरीद रही है। इससे व्यापारियों को फायदा भी होगा और पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा। नगर परिषद द्वारा 2 अक्टूबर से ये पॉलीथीन उन्मूलन अभियान सरकार के आदेशों से चलाया गया है और इसके उन्मूलन के लिए आज हमने अपनी जो टीम दफ्तर की थी, कुछ लोग हमारे साथ जो हमारे अधिकारी हैं, साथ में एसओ साहब हैं, दूसरे कर्मचारी हमारे साथ में, इनको लेकर के अभियान चलाया शहर में। और डी साहब ने भी निर्देश दिए थे कि कहीं भी अगर पॉलीथीन मिलता तो उसका चालान किया जाए। तो पॉलीथीन अभी तो बहुत कम मिला हमें, एक आधी जगह मिला है और यहाँ पर पॉलीथीन की कुछ कंप्लेंट्स आ भी रही थी कि चोरी छुपे कुछ पॉलीथीन यूज़ कर रहे हैं, तो इसके बारे में हमने आज चलाया हुआ था। और इस उन्मूलन के लिए हमने लोगों को आह्वान किया है कि भाई आप पॉलीथीन जो है जो पैकिंग का आ रहा है बाहर से आ रहा है उसको आप इधर उधर ना फेंकें, सड़कों में ना फेंकें, नालियों में ना फेंकें। और नगर परिषद के पास अभी प्रावधान है हमारे पास कि 75 रुपए किलो हम लोगों से पॉलीथीन खरीद रहे हैं और इसको हम आगे PWD या सीमेंट फैक्ट्री को टायरिंग के लिए देंगे, तो लोगों से ये अपील किया हमने। कोई चालान भी काटे? एक चालान काटा जी हमने भी और उसका फाइन किया है। तो हम लोगों से ये निवेदन करते हैं कि ऐसी नौबत ना आए और किसी को गलत तरीके से वो इसमें चालान ना होता कि किसी का। तो ये था आज दिन भर का कार्यक्रम, कल फिर हाजिर होंगे नई गतिविधियों के साथ। आप ऐसे ही जुड़े रहिए ऐश्वर्य के साथ। नमस्कार।